परममौन। अंतस की धारा में जागे जागे जरा बदलाव लाने की सोच रखिए। एंगर रिएक्शन और स्ट्रेस से प्यार भरा रिश्ता भी बिखर जाता है। होश जब तक आता है तब तक वक्त निकल जाता है। स्वयं सुरती में रहना, थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, हो के शर्मिंदा गुनाहों से कभी सर को झुका तो सही। वो करेगा माफ तुझे, दो अश्क बहा तो सही। न रहेगा तू मोहताज कभी किसी का, अरे नादान, अपने हाथ उठा के दामन फैला तो सही। मेरे आंसुओं की तड़प तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जगत माया है। उनका तात्पर्य ये नहीं है कि जगत झूठ है, जगत तो सत्य है, लेकिन जिस भांति हम उसे जान रहे हैं वहां माया का तत्व आ गया। जगत बिल्कुल सत्य है, जानने वाला दृष्टा चैतन्य भी एकदम सत्य है, किंतु फिर भी बीच में एक घटना घट जाती है, यानी इंद्रियां। इंद्रियों से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है इस पर ज्यादा भरोसा मत करना, वो सब एक्चुअल नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान। जब आप बिना कान बिना आंख के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या ये ज्ञान अपने आप घटित होता है, तब उस परम सत्य को जाना जाता है, तब उसको अनुभूत किया जाता है। हमारी इंद्रियां चीजों को बदल देती हैं। जगत भी सत्य है, लेकिन जब इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो बदल जाती है। हमारी आंख चीजों को बदल देती है, हमारी कान, जीवा, त्वचा सब चीजों को बदल देती है। इसीलिए जगत के बारे में हमें भ्रम पैदा हो जाता है। हम जो भी देखते हैं सुनते हैं उसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी आशाएं सब मिश्रित हो जाती हैं। इसीलिए हम सत्य को नहीं जान पाते। अगर वास्तव में हम सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें भीतर देखना, अंतस में देखना, भीतर को सुनना, अंतस को सुनना प्रारंभ करना होगा। दूसरों के बारे में नहीं, हमें अपने अंतरतम सत्य को जानना होगा। वही अति इंद्रिय ज्ञान है। इसी ज्ञान को भगवद गीता के माध्यम से उजागर किया जा रहा है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि स्थित प्रज्ञ की दृष्टि केवल शाश्वत पर है, जबकि तुम्हारी दृष्टि अभी भौतिक वस्तुओं पर है। उसमें कोई बाधा पहुंचाए तो द्वेष करना, राग, भय, क्रोध हो रहा है, लेकिन जिसकी दृष्टि में वही सब कुछ है तो अब उसको न राग न द्वेष न सुख न दुख, क्योंकि सब एक है। तो नेक्स्ट 57 में कहा जा रहा है कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसमें कहा जा रहा है
कि स्थित प्रज्ञा को जब कोई फल प्राप्त होता है वो तब भी विचलित नहीं होता, उसी में खोया नहीं रहता। इसके अलावा अगर विपरीत स्थिति आ जाती है तो वह अकुलाता नहीं है। भीतर देखना, वास्तव में जब तुम्हारे जीवन में जो पसंद है उसका उदय आता है और जो पसंद नहीं है वह प्रतिकूलता आती है, तो फर्क किसे पड़ता है, किसे? देखना जरा गहराई से। गहराई से देखोगे तो न तो आत्मा को फर्क पड़ता है, न ही इंद्रियों को फर्क पड़ता है। इंद्रियों को छोटी बड़ी नहीं हो जाती, फर्क सिर्फ बुद्धि को पड़ता है। लेकिन वो बुद्धि जिसने अपरिवर्तनशील के साथ जोड़ दी तो उसकी बुद्धि में अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब स्थित प्रज्ञ की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां जरा भी विचलित नहीं होती, क्योंकि स्थित धी ने, अब स्थित प्रज्ञा ने अपनी बुद्धि अपरिवर्तनशील के साथ जोड़ दी। इसीलिए अनुकूल उदय आता है तो भी बुद्धि में फर्क नहीं पड़ता, प्रतिकूल उदय में भी उसकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है। पिछले वाले श्लोक में पूछा गया था, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? उसका जवाब इस श्लोक में दिया जा रहा है। कछुए के बारे में आपको पता ही होगा, जब भी कछुए के ऊपर आपत्ति आती है तो कछुआ अपने पैरों को, पूंछ को, मस्तक को, सबको समेट लेता है। सामने वाले को हाथ, पैर, पूंछ, मस्तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल पीठ ही दिखाई देती है। कछुआ दिखाई नहीं देता, ये किस बात का प्रतीक है? यानी जब कोई साधना करता है तो अपने मन के उपयोग को इस प्रकार समेटता है कि पीठ के अंदर उसका सारा उपयोग घूमता है। बहुत लंबी यात्रा करनी है, मनुष्य से परमात्मा होना है, पूरा स्वाधीनता का मार्ग इस कछुए के दृष्टांत के अंदर छुपा है। यात्रा के समय बहुत दुश्मन मिलेंगे, कभी इंद्रिय जगत के आकर्षण है, कभी अपने मन की अस्थिरता है, कभी बाहर के आकर्षण है। अब समाधि वाला पुरुष कैसे बैठता है? यानी उसकी पीठ का उपयोग होता है, यानी उसका सारा ध्यान एवं स्थिरता चक्रों पर होती है। ये स्थित प्रज्ञा है। यहां वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस मार्ग पर जो भी साधना होती है वह पीठ के भाग में होती है। अगर आपका मन स्थिर है तो इन पांच चक्रों पर फोकस करते जाओ, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि। इन चक्रों में मन को एकाग्र करना है, इससे चक्र अपने आप स्ट्रेंथन होते हैं, ये चक्र अपने आप सशक्त होते हैं। यानी आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, सबको इस पीठ वाले भाग पर स्थिर कर देना है। यानी साधना के दौरान तुम्हें तुम्हारी पीठ दिखे, इसके अलावा बाहर का ना तुम्हें कोई व्यक्ति दिखे, ना वस्तु दिखे, ना सदगुरु दिखे, ना सदशास्त्र दिखे। बाहर से केवल वाइब्रेशंस मिल सकती हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी पीठ के बलबूते पर यात्रा करनी है, अपने दुश्मनों से यानी नेगेटिविटी से बचना है। तो अपने अपने चक्रों पर स्थिर होकर बैठ जाओ। लेकिन अगर चक्रों पर तुम एकाग्र होकर नहीं बैठ पा रहे हो, कुछ ना कुछ विकल्प चल रहा है, तो समझ लेना यात्रा भी लंबी है। ध्यान रखना, ये हमारे पांच चक्र, पांच पांडव हैं, इन्हीं के कंधों पर सारा युद्ध है। युधिष्ठिर यानी निष्काम कर्म, भीम यानी साहस, अर्जुन यानी विचारशीलता, नकुल यानी आकुलता रहित, सहदेव यानी समर्पण, यानी जो हमेशा देव के साथ रहता है, समर्पित बुद्धि। ध्यान रखना, यदि तुम्हारा मन इन चक्रों पर स्थिर नहीं हो पा रहा मेडिटेशन में, तो तुम्हारे अस्थिर मन को भी ये पांच काम दिए जा सकते हैं। पहला, तुम अपने निष्काम कर्म के बारे में सोचो, जो भी तुमने किए हैं या नहीं, उसका आनंद लो कि कितना मजा आया था। अब आगे भी ऐसे निष्काम कर्म कौन से किए जा सकते हैं, उनकी प्लानिंग करो। दूसरा, भीम को विकसित करो यानी साहस को बुलाओ। अब की बार मुझे यदि क्रोध आएगा या कोई वासना कामना उठेगी तो मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा, या लोभ उठेगा तो ऐसे प्रतिक्रिया होगी। अपने साहस का गुण विकसित करो, जो कि आत्मा का गुण है।
जब भी ऐसी वासनाएं कामनाएं उठें, मुझे अनाहत चक्र पर अपना उपयोग करना है। जब भी कर्मों में कामनाएं आएंगी, तब मेरा उपयोग विशुद्धि चक्र पर आएगा। इन चक्रों के आधार पर यह पूरा अंतर्युद्ध लड़ा जाने वाला है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा विचार आते हैं, विचारशीलता डेवलप नहीं हो पा रही, तो मणिपूरक चक्र पर फोकस करो। भीतर अगर कुछ ना कुछ आकुलता चल रही है, तो स्वाधिष्ठान चक्र पर फोकस करोगे। और लास्ट है मूलाधार चक्र, जिस पर सहदेव है, यानी मेरा समर्पण भाव कम है। मुझे बार बार देवशास्त्र गुरु के प्रति शंका होती है। अपनी शंकाओं को शांत करने के लिए मूलाधार चक्र पर फोकस करो। ये सभी साधन तुम्हारे ही भीतर है, बाहर नहीं है। अगर मन में बहुत ज्यादा तूफान चल रहे हैं, तो तुम साधना नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भीतर कौन सा तूफान उठा है, पहले उसका पता लगाओ। विचारों का तूफान है, या कामनाओं का, या वासनाओं का, या आकुलता का, या फिर बिना मतलब के स्ट्रेस। फिर साधना में उसी चक्र पर फोकस करो और यात्रा में आगे बढ़ो। कामनाएं बहुत उठ रही हैं, तो अनाहत चक्र पर ध्यान करना है। भय बहुत उठता है, मूलाधार चक्र पर। विचार बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, मणिपूरक चक्र पर। रेस्टलेसनेस है, वो चाहे शारीरिक है या मानसिक, तो स्वाधिष्ठान चक्र को सशक्त करना है। मन में बहुत ज्यादा शंकाएं उठ रही हैं, जीने की शंका, मरने की शंका, भय, मूलाधार चक्र पर एकाग्र करो। इस प्रकार इस श्लोक में यही कहा गया है, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, यानी जिसने सब ओर से हटकर अपनी पीठ में साधना कर ली, जिसने अपने साधनों का सदुपयोग करना सीख लिया, वही इस अंतर्युद्ध को जीतता है। बात तो युद्ध की चल रही है ना। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जैसे ही ये कछुआ जीतता है, उसका परिणाम क्या होता है, यानी जैसे जैसे तुम्हारे अंग भीतर मुड़ रहे हैं, तुम्हारे चक्र जागृत हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या होता है। तो 59 श्लोक में कहा गया कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। लेकिन इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार, यानी स्वयं का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अद्भुत रहस्य है इस श्लोक में, ध्यान देना। भीतर एक रस हमेशा बह रहा है। बाहर की कोई वस्तु अपनी पसंद की खरीदी, उसका विचार करके ही भीतर खुशी आनंद की लहर उठना। कोई प्रिय मित्र आने वाला है, उसका स्मरण करके कुछ भीतर मजा आ रहा है, वो कहलाता है रस। मान लीजिए कोई महंगा फोन आपने खरीदा, उसका स्मरण करके जो मजा आ रहा है, यह है रस। कहीं घूमने जाना है, वो सोचकर भी जो भीतर तरंग आती है, वो कहलाता है रस। लेकिन वस्तुओं को छोड़ने से वो रस नहीं जाता, इंद्रियों को मोड़ लेने से, फोड़ लेने से वो रस नहीं जाता, वो रस अंदर ही पड़ा रहता है। लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है, जैसे ही आपने अंगों को संकुचित किया, यानी आपकी पूरी एकाग्रता इस धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आ जाती है, तो उसका सीधा सीधा परिणाम यह होता है कि तुम्हारी रस बुद्धि टूट जाती है, रस अपने आप टूटता है। जैसे मूलाधार चक्र पर तुम्हारी काम वासना का रस टूटता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मचर्य व्रत लेने से रस नहीं टूटता, लेकिन भीतर की यात्रा में जो मूलाधार चक्र के सशक्त होने से यह रस टूटेगा। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र परिग्रह का प्रतीक है, वस्तु व्यक्ति विचार का रस यहां टूटेगा। रस के कारण ही हम वस्तु व्यक्ति का संग्रह करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना से तुम्हारा मानसिक परिग्रह भी टूटता है और लौकिक परिग्रह भी छूटता है। भीतर देखना, जागे रहना। एक ही चेहरे की अहमियत, एक ही चेहरे की अहमियत हर एक की नजर में अलग सी क्यों है। उसी चेहरे पर कोई खफा तो कोई फिदासा क्यों है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है,
तो फिर और क्या है, क्या है ये?